Yakan Abudu, Yakan Estain. Janabi Sadr, Moses, Memanane Garami, Mezbanane Mehfil, Aziz Bukala, Khwatino Hazrat, Assalamu Alaikum. Ye Bukala ka apna hi kanoon hota hai. Chief guest ke baad is tarah ek aam mehman ko nahi bulaya jata. Lekin baharhal agar mujhe ye ehzaaz 3 minute ke liye mil gaya hai, to main aapse sirf ye arz karunga, sabse pehli baat, ki jab 1996 mein हमारे महबूब चेयरमैन इमरान खान ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, तो उसके दो सुतून थे जो अभी भी कायम हैं। पहला, एक करप्शन से आज़ाद निज़ाम, और दूसरा कि ताकतवर और कमज़ोर कानून की निगाहों में बराबर होंगे। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसलिए आज के दिन सबसे अहम बात मेरे नज़दीक यह है कि हमें अहद करना है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी के बजाय जिस तरह जंगल का कानून पाया जाता है, हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आईन की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे आईन के आर्टिकल 14 में इंसानी वकार की पामाली ना हो, चादर और चार दीवारी की पामाली ना हो, बल्कि उसका तहफ्फुज हो। हमको यह अहद करना है या हम यकीनी बनाएंगे कि हमारे आइन के आर्टिकल 16 में जिस तरह पुरामन और गैर मुसल्ला इज्तमा का वादा है, हम ऐसे इज्तमा पर रेड नहीं होने देंगे। हमारे आइन में आर्टिकल 19 में जिस तरह आज़ादी है इजहार राय का वादा है, हम इख्तलाफ की आवाज़ों को बंद नहीं करेंगे। जिस तरह आर्टिकल 19A में इत्तलात की मालूमात की रसाई का वादा है, हम एक्स को, हम ट्विटर को, हम फेसबुक को, हम इंटरनेट को, हम मोबाइल सर्विस को बंद नहीं करेंगे। और आखिरी बात ये कि पाकिस्तान में 1970 से लेकर अब तक 12 आम इंतखाबात हुए हैं। पहले वाले को निस्बतन शफाफ कहते हैं या कहलाया जाता है। उसके बाद हर एक इंतखाब के ऊपर बशमूल 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी को गैर शफाफ और फ्री एंड फेयर नहीं समझा गया, लेकिन एक भी इलेक्शन कमीशन, एक भी निगरान हुकूमत को सजा नहीं हुई इसके ऊपर, और इसकी वजह से एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं पाया जाता। हम इस एहतसाब के खौफ को बहाल करेंगे, हम इस कानून के डर को जो है वो ऊंचा बुलंद करेंगे और उजागर करेंगे। ये हमारा अहद होना चाहिए आज का। और आपसे इजाजत लेते हुए मरहूम फैज़ अहमद फैज़ के अल्फाज में यही अर्ज करूंगा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्म और सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सारू पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मर्दूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, और नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाजिर भी, और उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी।